हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब सही होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अभी होने वाला है अगस्त चौहान जो कि चैनल का नाम है, भाई के चैनल का नाम है प्रो राइडर 1000, जो कि आपको पता ही होगा। तो गाइस आजकल बहुत वीडियो डल रही है कि अगस्त चौहान भाई 390 मार रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया अगस्त चौहान। ये जो वीडियो जो आजकल यूट्यूब में चल रही है जेड एस टेन आर का एक्सीडेंट की, हाँ ये भाई ऐसी वीडियो है। तो गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पहली बात तो ना भाई वो 399 मार रहा था ना उसने मारा था। तो भाई 399 बंदा जब मारता है ना 150 में बाइक चलाता है तो बाइक की इतनी बुरा हाल होता है ना। 150 की बात कर रहा हूँ गाइस, 390 तो बहुत दूर की बात है। 150 में जब बाइक का एक्सीडेंट होता है ना, वो भी जब 6 लाइन में, तो बाइक बचती नहीं है। तो गाइस ये जो बाइक का जो एक्सीडेंट हुआ था ये टोटल ही ओके बाइक थी, बस पीछे वाला रिम में थोड़ा सा वो बैंड हुआ था रिम, और जो साइड वाला जो वाइज़र होता है, जो एयर विंड ब्लास्टर वाइज़र होता है जो बाइक का, बस वो टूटा हुआ था। बाकी बाइक ओके थी, बाइक को कोई स्क्रैच नहीं था, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। भाई अगर भाई 399 मारते हुए एक्सीडेंट हुआ होता तो भाई वो बाइक ख़त्म हो जाती पूरी। तो ये जो बाइक का जो एक्सीडेंट हुआ था ये मुझे लग रहा अनबैलेंस के कारण हुआ होगा, क्योंकि मैंने वीडियो क्लिप देखी है क्योंकि भाई के सिर में हेलमेट नहीं थी और सिर में ही ज़्यादा इंजरीज हुई है और सिर में ज़्यादा खून निकल रहा था। तो आप वीडियो देखना उनकी, तो उसी के कारण मुझे लग रहा है कि डेथ होगी भाई की, क्योंकि भाई के सिर में हेलमेट नहीं था और ज़्यादा इंजरीज भी सिर में हुई थी और बॉडी में कोई इंजरीज नहीं हुई थी। वैसे उनके फादर भी बता रहे थे कि कोई इंजरीज नहीं हुई थी। तो गाइज आपको पता ही होगा ये ना कोई हिटिंग का केस है ना कोई कुछ, क्योंकि भाई का जो हेलमेट है मुझे लग रहा है वो अगर अनबैलेंस हुई होगी और भाई नीचे उतर गए तो वो हेलमेट सिर में नहीं होने के कारण उनकी डेथ होगी। तो पहली बात तो ये ठीक है ना, पहली बात तो मैं सेकंड। दूसरी बात ये है कि जो ये आजकल यूट्यूब चैनल में वीडियो चल रहा है, ओ फक ये क्या हो गया भाई, वो 10R भाई पार होगी ना। तो गाइस ये वीडियो देखो, ये वीडियो चल रही है भाई, ये वीडियो क्लिप डाल के लोग, ठीक है ना, ये क्लिप डाल के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये वीडियो अगस्ती, ये जो वीडियो चल रही है ये अगस्ती भाई की वीडियो है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये अगस्ती भाई की वीडियो एक्सीडेंट की वीडियो नहीं है, ये फेक वीडियो है। ये जो वीडियो है ये है सिद्रा हाईवे क्या नाम नगरोटा हाईवे की वीडियो है और ये जानू भाई के चैनल में वीडियो चढ़ी हुई है ये वाली, ठीक है ना गाइस, ये बात है। और ये अगर कोई भी बंदा वीडियो बना रहा है भेज रहा है तो गाइस साफ साफ कह दो कि ये फेक वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो चल रही है ये वीडियो में लोग वीडियो क्लिप डाल के और वीडियो के नीचे थंबनेल में लिख के बोल रहे हैं कि भाई अगस्त चौहान का एक्सीडेंट, ये लाइव वीडियो। तो गाइस ये लाइव वीडियो नहीं है, फेक वीडियो है। जो ये वीडियो चल रही है ये जानू भाई के यूट्यूब चैनल की वीडियो है, जो कि वह जो पिछला साल चले गया है 2022 में, ये उस टाइम की वीडियो है जब जानू भाई के चैनल में जब वीडियो ये जानू भाई ने बाइक ली थी यूट्यूब चैनल में ऑन करके G900। तो गाइस आप देख सकते हो G900 के नेम प्लेट भी है। तो ये वहाँ से वीडियो क्लिप लोग उठा के वीडियो डाल रहे हैं कि भाई अगस्त चौहान की ये लाइव वीडियो एक्सीडेंट। तो गाइस ये लाइव क्लियर नहीं हो पाया, जब तक 360 कैमरा नहीं मिलेगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो पहली बात तो वो ना स्पीड चला रहा था और ना, और ये तो फेक वीडियो है पहली बात। दूसरी बात तो ये फेक वीडियो है, ये वीडियो में इंटरेस्ट न मत करना। अगर कोई भी बंदा वीडियो भेजता है ये वाली तो आप ये वीडियो बोलना भाई फेक है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो जानू मोटो ब्लॉगर यूट्यूबर जो कि जम्मू कश्मीर का है, आप उसके चैनल में जाके लास्ट वाली थर्ड या फोर्थ वीडियो देखना, थंबनेल भी लगाया उसने, तो ये वीडियो उसने डाली हुई अपने यूट्यूब चैनल में। तो और थर्ड बार लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, पहले तो लोग उसको जानते नहीं थे अगस्त चौहान को, लोग कभी वीडियो में लेते नहीं थे, कभी थंबनेल नहीं डालते, जबकि वो उधर का था, उत्तराखंड का था। तो आप लोग क्या करते थे, सिर्फ उसके सपोर्ट करते थे, किसका
अपना UK07 का सपोर्ट करते थे, ना कि ये अगस्त्य चौहान का सपोर्ट करते थे, प्रो राइडर 1000 का, ठीक है ना, उसकी रीले डालते थे, क्योंकि जो ज़्यादा फेमस होता है उन्हीं की रीले डालती है ना, मुझे तो पता ही है, क्योंकि इसकी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। तो आजकल जम्मू कश्मीर आपको पता ही होगा, मीडिया वाले इतने सल्यूट है मीडिया वालों को, जो इतने वीडियो डालते, जो कि मोटो ब्लॉगर का हाथ धो के पीछे पड़ गया, आपको पता ही होगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो और कोई काम नहीं है, मोटो ब्लॉगर ये हो गया, मोटो ब्लॉगर ये हो गया, वो हो गया, हो गया, दुनिया में बहुत काम है, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं। और कहते हैं मोटो ब्लॉगर को खासकर कि ये जो है व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ के लिए ये बाइक स्पीड चलाते हैं, ये करते हैं, व्यूज़ के लिए तो आप भी करते हो, ठीक है ना, हम ही नहीं करते हैं यार, बहुत लोग, सब लोग व्यूज़ के लिए ही करते हैं, ठीक है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल रहा है तो वो व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा है, सब लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, सब लोग व्यूज़ के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, कोई बंदा ये नहीं कि व्यूज़ के लिए वीडियो अपलोड कर रहा है कि भाई उसको व्यूज़ नहीं चाहिए। अगर आपके चैनल में बताओ, अगर आपके चैनल में व्यूज़ नहीं, आप क्या बोलो सोचोगे, आप तो यही सोचोगे मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है ना, बात ये है। तो किसी मीडिया वाले को प्रॉब्लम ही है, एक ही मीडिया वाले को प्रॉब्लम, जो कि गाइस आपको पता है कौन कौन है वो बंदा, तो उसी ने वीडियो डाली हुई है, अगस्त्य चौहान का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग हमें बाजित के ट्रोल कर रहे हैं, भाई तेरे वजह से एक्सीडेंट हुआ, भाई उसकी वजह से कैसे एक्सीडेंट हुआ, जब वो दोनों राइड कर रहे हैं, जब पीछे बंदा ही नहीं है तो एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब मेरे साथ कोई राइड में जा रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो ब्लेम मेरे ऊपर आएगा क्या, कि मैं साथ मिलकर मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया, मैंने साथ मिलकर मर्डर करवाया, लोग ये वीडियो डाल रहे हैं। तो गाइज ऐसा मत बोलो, क्योंकि भाई उसने भी मेहनत की है, दोनों ने मेहनत, आमिर मस्जिद ने भी मेहनत करके आगे बढ़ा, वो भी मेहनत करके आगे बढ़ा, ये नहीं कि दोनों ने मेहनत नहीं की और आगे बढ़ गए, दोनों ने दोनों मेहनत करके ही आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, ये तो ये मत ऐसा मत करो, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और नीचे लिख देना प्रो राइडर 1000 ओम शांति। तो प्लीज़ अभी जिंदा नहीं, जिंदा था तो आपने सपोर्ट नहीं किया, अभी मर गया तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो उसके घर वालों के लिए, शायद कुछ पैसा उनके घर वालों के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब और जो भी वीडियो है उनकी लाइक और शेयर एंड कमेंट कर दो, अगस्त्य चौहान भाई की। तो बहुत बंदे तो नहीं जानते होंगे, जिस टाइम मरा उस टाइम लोग जानने लगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा राइटर था, ये है वो है, रिस्पेक्ट एंड पीस, ये है वो है, फलां टीम। तो ये ऐसा मत करो, ज़्यादा जो बड़े यूट्यूबर है उनको मत देखो, जो नीचे से मैं ग्रो करते आ रहे हैं उनको भी देखो गाइस, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जितना जितना मेहनत जो बड़े यूट्यूबर करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत जो छोटे यूट्यूबर है ना वो भी करते हैं, ठीक है। तो भाई ये है, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की आप वीडियो डालो, एक बंदे को सपोर्ट करो, क्योंकि उत्तराखंड में तो आपको पता है दो ही बंदे फेमस है मोटो ब्लॉगर, एक तो ये हो गया UK07 राइडर, ठीक है ना, बाबू भैया जो आपके पता होगा, और सेकंड है ये अगस्त्य चौहान, ठीक है ना, जो कि आप लोग बोल रहे हो कि नहीं 3 अनबैलेंस हुई होगी इस कारण भाई की डेथ हुई, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, जो जानू भाई की जो ये वाली वीडियो है ना, अगर कोई बंदा अगर वीडियो अपलोड कर रहा है तो ये बोल रहा है कि नहीं ये वाली वीडियो अगस्त्य चौहान जो प्रो राइडर 1000 की एक्सीडेंट की वीडियो है, तो गाइस साफ साफ कमेंट में ये लिखो कि भाई ये फेक वीडियो। तो गाइस मैं भी अभी अपने चैनल में चलाने वाला हूँ कि ये फेक वीडियो, मैं इसलिए आज मैं यूट्यूब चैनल यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को कोई वो नहीं था कि आज वीडियो बनाना, तो क्योंकि 4-5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए अगस्त्य चौहान को डेथ हुए, तो ठीक है मुझे अगर बनाना होता तो मैं पहले ही बना देता, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है ना, लोग फेक वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब चैनल में जाते हैं, मैं लोगों को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितने गलत हैं, लोग कितने गलत वीडियो डालते हैं। भाई वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उसकी इज्जत तो करो, जब जिंदा था तब नहीं किया था, अब तो मर गया, अब तो इज्जत करो उसकी। मैं इसीलिए मैंने आज वो वीडियो बनाई है, इसलिए मैं वीडियो बनाया कि देखो हमारे मीडिया वालों को काम नहीं है, जिस टाइम वो जिंदा था कभी उसकी स्टोरी नहीं चढ़ाई, अब बंदा मर गया अब बंदे की स्टोरी चढ़ा रहे हो, लोग भी ऐसे ही हैं, जिस टाइम जिंदा था किसी ने वीडियो नहीं चढ़ाया, किसी ने थंबनेल नहीं बनाया, किसी ने हेडलाइन नहीं चढ़ाया, किसी ने कुछ नहीं किया, जब बंदा मर गया अब बंदे लोग उसकी वीडियो चढ़ा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है।
बात ये है। और मैं यार मेरा वीडियो मैंने वीडियो नहीं बनानी थी उसके लिए, उसके टॉपिक में। मैं इसलिए उसके टॉपिक में वीडियो बनाया क्योंकि लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में ये एक्सीडेंट वाली वीडियो। इसलिए मैंने आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो जानू मोटो ब्लॉगर जानू स्टंट के चैनल के अंदर ये वीडियो चढ़ी हुई है, लास्ट वाली वीडियो या लास्ट फोर्थ या फिफ्थ नंबर में वीडियो होगी ये एक्सीडेंट वाली, ये वो वाली एक्सीडेंट की वीडियो है। ये एक्सीडेंट हुआ है पता कहाँ पर? ये एक्सीडेंट हुआ है नगरोटा में, नगरोटा हाईवे में एक्सीडेंट हुआ है। ये जेड एक्स टेन आर, और जो कि ये जो भाई अभी भी ओके हैं जो जेड एक्स टेन आर का, ठीक है। तो वैसे अगर ये वाली वीडियो चल रही हो तो पहले आप साफ साफ कह दो कि ये वीडियो फेक है। तो होप कर रहा हूँ आप सबको सही लगा होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल में, नहीं भी लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दो भाई, गलत भी कर दो कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई वो नहीं टेंशन नहीं है, लेकिन गाइस कमेंट कर दो।